नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा चल रही है, तो आज बात करेंगे हम 8 अक्टूबर की शिफ्ट वाइज जीके या जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हमारे ये क्वेश्चन हमारे जोन में नहीं पूछे गए। दोस्तों, आपको एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ, हर जोन का जो एग्ज़ाम है ना वो अलग अलग हो रहा है। तो जिस जोन के हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि हमें किस जोन के क्वेश्चन मिले हैं, तो जिस जोन के हमें क्वेश्चन मिलते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, मराठी फिल्म 2017 में सबसे अच्छी फिल्म का जो पुरस्कार है या सबसे अच्छी फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों, एक कंचा लिंबू जो फिल्म थी, ये मराठी फिल्म 2017 में सबसे अच्छी फिल्म मानी गई है। महिला शतरंज चैंपियनशिप 2018 के जो विजेता हैं वो कौन हैं? तो यह है टैन झोंगई। देवेंद्र झांझरिया का जो संबंधित खेल है वो कौन सा है? तो जेवलिन थ्रो, जहां पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था पैरा ओलंपिक में। वन इंडियन गर्ल के जो लेखक हैं वो कौन है? तो चेतन भगत वन इंडियन गर्ल के लेखक हैं। पद्म विभूषण 2018 से एक सवाल था। केरल के मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया तो पिनराय विजयन। उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं उनका नाम पूछा गया तो बेबी रानी मौर्य। डेल जो कंपनी है उसके सीईओ पूछे गए तो माइकल एस डेल। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 किसे मिला? तो गोपाल कृष्ण गांधी को ये पुरस्कार मिला। अमेरिकी ओपन 2017 के पुरुष एकल विजेता का क्या नाम था? राफेल नडाल था। सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो AR रहमान को चुना गया है। भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान। विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। कैंडिडेट या उम्मीदवार किताब के जो लेखक हैं वो कौन है? तो अनिरुद्ध भट्टाचार्य। देना बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ये मुंबई में है। यूनेस्को शहर के संगीत में हाल ही में किस शहर को शामिल किया गया? तो ये दोस्तों चेन्नई शहर है। दूरदर्शन के मुखिया कौन है? तो श्री शशि शंकर दूरदर्शन के मुखिया या CEO कहे जाएंगे। कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करती है? तो दोस्तों ट्रांस तस्मान आपने सुना होगा, तो जो तस्मानिया स्टेट है उसको, जो तस्मानिया नदी है वो जो है या सागर है वो न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। वहीं दोस्तों पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो पूछे गए विष्णु शर्मा हैं। सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी पूछी गई एस अगेंस्ट ऑड्स। खेलों में कोच के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। चीन के प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया ली क्विंग। राज्यसभा में कुल सीट ताकत क्या है, यानी कि कितने मेंबर बैठ सकते हैं अधिकतम? तो 250 हैं। येलोस्टोन पार्क कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये अमेरिका में स्थित है। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस VK तलेरमानी जो मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। साथ में वेतन आयोग के प्रमुख कौन है? अशोक कुमार माथुर हैं। अनगदा देश पांडे किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये क्रिकेट से हैं। रघुवंशम किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों ये महाकवि कालिदास की पुस्तक है। वहीं दोस्तों कुछ साइंस के भी क्वेश्चन हमें मिले। कौन से तत्व पौधों में पानी और खनिज को अवशोषित करते हैं? तो दोस्तों बोरोन है। विटामिन B6 का जो नाम है, वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो वो पाइरोडॉक्सिन है। एक पूछा गया था एसोग्राफी के रूप में किसे कौन जाना जाता है? नींबू का pH मान पूछा गया तो 2.4 से 2.8 होता है। शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। ऊर्जा उत्पादन में उत्पादन करने के लिए कोशिकाओं द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। इसका भी फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। चेचक के वैक्सीन के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो एडवर्ड जेनर, जिन्होंने की चेचक के टीके की खोज की। एक क्वेश्चन था वजन किस पदार्थ पर निर्भर करता है। एक क्वेश्चन था पीरियोडिक टेबल में जो अंतिम ग्रुप या समूह है उसमें कौन सी गैसें हैं? तो उसमें नोबेल गैसें हैं विद्यमान है। किस समूह का इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 3 है, यानी कि 13 परमाणु क्रमांक किसका है? तो दोस्तों एल्युमिनियम का है। ट्यूबलाइट के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑर्गन या बुध वाष्प भी कहते हैं। मायोपी रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों ये निकट दृष्टि दोष होता है और आँखों से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमें ग्रुप डी की 8 अक्टूबर की सभी शिफ्टों में हमें प्राप्त हुए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जो क्वेश्चंस हैं वो प्राप्त कर लीजिएगा।